अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शुएब अहमद अवान। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर वाफियत होगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आज मुखातिब हो रहा हूं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज उर्दू का पेपर था और उसके अंदर रसीद आई और इसी तरह से और भी वो चीज़ें आई जिन्हें हम समझते थे कि ये पेपर में नहीं आ सकती। 2023 के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि कंप्यूटर के पेपर के अंदर भी लॉन्ग वहाँ से आ रहा है जहाँ से नहीं आना चाहिए था और बाकी पेपर में भी। सो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको 23 के पेपर्स के लिए जो चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी वो भी तैयार करनी पड़ेंगी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि उर्दू के अंदर रसीद आ सकती है, इसी तरह कंप्यूटर का जो लॉन्ग है वो 2.5 लाइंस का आ सकता है। सो इस दफ़ा बोर्ड में जो पेपर सेटर्स हैं या जो उस टीम के कंट्रोल में डेफिनेटली वो चेंज हुए हैं और इस वजह से पेपर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। अगर मैं उर्दू के सब्जेक्ट की बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर उर्दू में रसीद नहीं आई और रसीद की जगह एप्लीकेशन आया करती है, लेकिन बाहर अब इस दफ़ा रसीद आई है। सो आने वाले जो नेक्स्ट पेपर्स हैं जिसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी वो चीज़ें आ सकती हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की और कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स,